हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑली जीएस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम देखने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, पहले ये जान लीजिए। तो अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत को बहुत बुरी तरह से लूटा और उन्होंने लोगों का इतना शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, जिसके कारण लोग मजबूर हो गए क्रांति करने के लिए। 1857 की क्रांति से पहले लोग कुछ यहाँ वहाँ पर भारत में कहीं कहीं छोटी छोटी क्रांतियां यानी कि छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, जैसे किसान विद्रोह हो गया, जनजाति विद्रोह हो गया। जैसे अगर किसान लगान देते थे तो उनकी लगान की जो मात्रा होती थी वो बढ़ा दी जाती थी, बहुत ज्यादा लगान ली जाती थी। और अगर हम जनजाति क्षेत्रों की बात करें, जो आदिवासी लोग होते थे वहां पर, वो लोग रहा करते थे आदिवासी लोग जंगलों में, और वहां पे जो अंग्रेज होते थे वो उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, जिसके कारण भी उन्होंने छोटे छोटे विद्रोह किए। लेकिन यह विद्रोह जब एक समय सीमा से बढ़ गया, अंग्रेजों का जो शोषण था वो जब काफी बढ़ गया, तो 1857 की क्रांति में यह बहुत बड़ा रूप लिया और इसी को हम जानते हैं 1857 की क्रांति। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस को बंद कर दिया और उसकी जगह पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब हम जान रहे हैं कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, ये सभी टॉपिक इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आप ये राइफल देख सकते हैं, इस राइफल ब्राउन बेस को बंद कर दिया, इसके स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए सैनिकों से कहा गया। लेकिन इस राइफल में क्या था, तो राइफल में कारतूस भरने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था, क्योंकि कारतूस भरने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था। और इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ऐसी अफवाहें उड़ी कि इस कारतूस में जो नई बंदूक आई है, इसके लिए जो कारतूस होते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, और यही चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन कारण बना। तो ये ध्यान रखना है, तत्कालीन कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जानिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बनी कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदू लोग जो होते हैं वो गाय की चर्बी यूज नहीं करते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो सुअर की चर्बी यूज नहीं करते हैं। तो इसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया। तो यहाँ पर गाय की चर्बी से बनी कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया मंगल पांडे ने, कब किया, 29 मार्च 1857 को, जिस कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। इनके बारे में कुछ अन्य पॉइंट भी हैं। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 10 मई 1857 के दिन मेरठ से क्रांति की शुरुआत कर दी गई। तो ये डेट याद रखिएगा, 1857 में 10 मई 1857 के दिन से मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं किन किन जगहों पर विद्रोह हुआ है, वो सभी हम जान लेते हैं। और उन विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया, वहां का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ के नेतृत्व बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ, कानपुर का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया, और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर ये बिहार में स्थित है, यहाँ पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, और बरेली में खान बहादुर खां, और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। तो इन सभी नेतृत्वकर्ताओं के आपको नाम को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, लखनऊ यहाँ पर स्थित है और ये यूपी के आसपास का जो इतना क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य केंद्र रहा। ये इलाहाबाद है यहाँ पर, यहाँ पर जबलपुर, ग्वालियर, झांसी, ये सब मुख्य केंद्र रहे हैं, दिल्ली, मेरठ। तो आप ये सभी क्षेत्र देख सकते हैं, इसमें बनारस, इलाहाबाद, ग्वालियर, अजमेर, ये सभी इसके मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र दिखाए हैं आपको, उस समय के जो खूनी मंजर था वो किस प्रकार से था, तो आप इन चित्रों के माध्यम से जान सकते हैं इन्हें। यहाँ पर इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये है लखनऊ का ये फोटो है, लखनऊ का उस समय में जो क्रांति हुई थी, तो उस समय क्या मंजर था वहां का, इस प्रकार का।
तो अब तक हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, अब हम टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी मिर्जा गालिब ने इसे अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो इसका चिन्ह क्या था, आंसर ए होगा कमल एवं चपाती था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण क्या था वहां पर, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट प्रश्न है वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो वो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो मैंने बताया था सभी नेतृत्वकर्ता को आपको ध्यान रखना है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया, तो इन्होंने इसका नेतृत्व लखनऊ से किया है। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो किसने दिया था, मंगल पांडे को फांसी हो गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे लॉर्ड पामस्टन, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कौन थे, तो ये थे आर सी मजूमदार, आंसर सी सही हो जाएगा। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो ये भी एग्जाम पूछा जाता रहता है, तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु तो किस आयोग का गठन किया गया था, तो किस आयोग का गठन किया गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में भाग नहीं लिया था, तो इसमें से नाना साहेब ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं थे उसमें, तो आंसर सी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी, तो कब किया था, आंसर सी होगा 1 नवंबर 1858 को लाने की घोषणा की थी, क्योंकि जब क्रांति के बाद में भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया इस घोषणा के अंतर्गत, तो ये ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में 1857 की क्रांति के बाद किया गया। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो ये थे एस एन सिंह थे, आंसर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर कहा जाता है बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो उस समय यहाँ के नेता कौन थे, तो ये थे लियाकत अली। नेक्स्ट है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोस ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो किसके लिए कहा गया था, ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर के द्वारा। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये थे नामधारी सिखों के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण यही था कि किसी सामान्य कोई योजना बनाकर यहाँ पर जो क्रांति थी ये नहीं, विद्रोह कोई योजना के द्वारा नहीं किया गया था, और ना ही केंद्रीय संगठन की कमी थी, ना तो कोई संगठन था कि हम किस प्रकार से करेंगे या क्रांति के बाद क्या होगा, विद्रोह के पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो ऐसा कोई योजना नहीं बनाई गई थी जिसका असफल होने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली में कौन था ये, इसका नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खानी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो कौन थे ये,
तो ये थे तात्या टोपे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो चिन्ह ऊपर ये प्रश्न दोबारा आ गया है, आंसर होगा ए कमल एवं चपाती। यहाँ पर कुछ टाइम लाइन दी गई है, 1857 की 10 मई में म्यूटनी यानी कि विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ में, और यहाँ पे 1858 जून में रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई करते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये सभी डेट यहाँ पर दी गई है, ये आप याद रख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।